आज की वीडियो में करते हैं अनबॉक्सिंग सैमसंग के 4K LED मॉनिटर की, साथ में इसका कंपैरिजन और कंपनीज के मॉनिटर्स के साथ भी करेंगे, IPS और VA पैनल्स के बीच का फर्क भी समझेंगे। ये S8 सीरीज का मॉनिटर है और इसमें 27 इंचेस का IPS पैनल आपको मिल जाता है, और इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा मॉनिटर आपकी ज़रूरतों के लिए परफेक्ट रहेगा। बिल्कुल फ्रेश पीस दिया है अमेज़ॉन ने, सिंगल टेप लगी हुई है बॉक्स पे। अब तो अनबॉक्सिंग कर करके इतना तो आइडिया लग ही गया है कि कार्टन फ्रेश है कि नहीं, ये पहले ही पता चल जाता है। बॉक्स के टॉप साइड में सारे कंपोनेंट्स नीटली अरेंज्ड आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छी लुक का स्टैंड है और काफ़ी हैवी है, पूरा ये सॉलिड मेटल है। ऑलरेडी इन्होंने कसा हुआ है और 4 रबर पैड्स इस पर लगे हुए मिल जाते हैं। पार्ट नंबर भी क्लियरली एनग्रेव्ड है स्टैंड के नीचे। 3 केबल्स मिल जाती है इसमें आपको, और न जाने क्यों सैमसंग ने भी 15 एम्पेयर की पावर कॉर्ड दी है। इसका सोल्यूशन भी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। ये वाली USB 3 केबल है और ये HDMI केबल होनी चाहिए। अभी इन्हें खोलते हैं थोड़ी देर में। और ये इसका स्टैंड काफ़ी अभी हैवी है, इस तरीके से क्लिक करके अंदर लग जाएगा। 90 डिग्री रोटेशन भी अलाउ करता है, इसमें स्विवल भी कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये नीचे के साइड पे केबल्स को अरेंज करने के लिए इन्होंने ये रबर का ऑर्गेनाइजर दिया है, इस तरीके से ये काम करता है। जब भी आप मॉनिटर खरीदें, जो थर्मोकॉल्स लगे मिलेंगे मॉनिटर के नीचे, उनकी कंडीशन ज़रूर ठीक से चेक कर लें। कोई भी थर्मोकॉल अगर टूटा हुआ है तो हो सकता है आपका मॉनिटर में कोई ना कोई डैमेज आ गया हो। अच्छे से इंस्पेक्ट करने के बाद ही अपने यूज़ में उसे लें। अच्छी बात है इसमें डॉटेड लाइंस डाल के दी है ताकि पॉलीथीन को हम ईजिली टेयर कर पाए। हमारे जैसे OCD फ्रिक्स के लिए ये काम आता है। सबसे पहले तो क्विक सेटअप गाइड मिल जाती है आपको इसके साथ, इम्पॉर्टेंट सेफ्टी प्रिकॉशंस, और ये एक सस्टेनेबल प्रोडक्ट है तो इसका एक सर्टिफिकेट, एक छोटा सा वारंटी कार्ड, साथ में HDMI केबल्स भी इंक्लूड करी है कंपनी ने। काफ़ी हाई क्वालिटी की केबल्स है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी क्योंकि पास्ट में जो मॉनिटर्स के साथ सैमसंग केबल्स प्रोवाइड करता था काफ़ी हल्की क्वालिटी की होती थी। प्रोटेक्टिव कैप्स को सेफली स्टोर कर लें, कनेक्टर्स को बचाने के लिए काफ़ी काम आता है कई बार जब मॉनिटर को रीलोकेट करते हैं तब। ये USB केबल है तो ये काफ़ी अनयूजुअल सॉकेट है, USB 3 का इस तरह ही आता है आजकल। और ये 15 एम्पेयर की पावर केबल, न जाने क्यों कंपनीज इस तरह की केबल्स देती हैं। कंप्यूटर की पावर सप्लाई में भी जो मैंने अनबॉक्सिंग करी थी पिछली वीडियो में, उसमें आपको मैंने ठीक से कैलकुलेट करके बताया था, टोटली अननेसेसरी है और ज़्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल यूज़लेस रहता है। आगे लोग कन्वर्टर यूज़ करते हैं, वो बहुत अनसेफ है। एक प्रॉपर पावर केबल यूज़ करो। न जाने लोग क्यों कन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं, जितने पैसे में कन्वर्टर्स आते हैं उतने ही पैसे में आपको एक वेल बिल्ट पावर कॉर्ड मिल जाएगी। मुझे तो खैर UK स्टाइल की ये पावर कॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इनमें फ्यूज़ इनबिल्ट होता है, इसलिए मैं यही इस्तेमाल करता हूँ। आप लोगों के इंडियन स्टाइल के पावर कॉर्ड्स के लिंक्स भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके आप चेक कर सकते हैं। और रही बात लोड की, 15 एम्पेयर के प्लग की जरूरत सिर्फ 1300 वाट से ज़्यादा की पावर कंजम्पशन वाली अप्लाइंसेज में होती है, और ये मॉनिटर 200 वाट से ज़्यादा किसी भी हाल में कंज्यूम नहीं करने वाला, तो 6 एम्पेयर की पावर कॉर्ड बहुत आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिना घबराए। 4K मॉनिटर की हाई डेटा रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने डिस्प्ले पोर्ट की भी बेस्ट क्वालिटी की केबल ऑर्डर कर ली थी पहले ही। ये ब्लू रिगर कंपनी की डिस्प्ले पोर्ट केबल है। ये रही ब्लू रिगर के डिस्प्ले पोर्ट केबल, काफ़ी बड़ा साइज़ है इसके प्लग्स का, ये वैसे प्लास्टिक है, एल्यूमिनियम नहीं है। इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें लॉकेबल कनेक्टर्स मिलते हैं आपको, और साथ ही साथ कनेक्टर्स गोल्ड प्लेटेड भी हैं जिसके कारण करोजन का रिस्क कम हो जाता है। इसको लगाते और निकालते में बहुत ध्यान रखना है कि इसको इस तरीके से पुश करके निकालना है, नहीं तो ये सॉकेट डैमेज कर सकती है। इस मॉनिटर की फुल अनबॉक्सिंग तो कर ली, अब इसे असेंबल भी कर लेते हैं। स्टैंड की बेस प्लेट के नीचे ऑलरेडी एक कैप्टिव स्क्रू लगा हुआ मिल जाएगा, एक फ्लिप्स हेड स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको कस लेंगे। पहले एंटी क्लॉकवाइज घुमा के अच्छे से कन्फर्म कर ले कि पेज क्रॉस थ्रेड ना हो रहा हो, नहीं तो थ्रेड को डैमेज हो सकता है इससे। पूरी तरीके से कसने के बाद स्टैंड ऐसा लगेगा। फाइनली स्टैंड को मॉनिटर में इस तरीके से लगा लेंगे। अब क्योंकि ये मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा जगह लेगा तो इसलिए फ्रंट चैनल के जो स्पीकर्स हैं मुझे दीवार पे माउंट करने पड़ेंगे, और वैसे भी स्पीकर्स को मॉनिटर के ज़्यादा पास नहीं रख सकते, नहीं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस आने का रिस्क रहता है और वो मॉनिटर के लिए अच्छा नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में हम वीडियो में बात करेंगे। स्पीकर्स को इस हाइट पे माउंट करें कि ट्वीटर्स आपके ईयर लेवल तक आएँ और मिड रेंज ड्राइवर्स आपके ईयर लेवल से थोड़े से नीचे रहें, इससे आपको बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मॉनिटर में सारी केबल्स प्लग इन कर लेते हैं। इनिशियली पावर केबल थोड़ी मुश्किल से लगेगी और निकलेगी तो विगल करके ही लगाया निकालें।
फिर इसके साथ दी गई HDMI केबल प्लग इन कर लेंगे। ब्लू रिगर के डिस्प्ले पोर्ट केबल का कनेक्टर लगाने में तो आपको इसे प्रेस नहीं करना पड़ेगा, लेकिन निकालते में इसका जो लॉक है उसे प्रेस करके अनलॉक करके ही निकालें। USB हब की फंक्शनैलिटी के लिए USB 3.0 कनेक्टर लगा लिया। वायरलेस कीबोर्ड और माउस के रिसीवर्स को डायरेक्टली अब मैं मॉनिटर में प्लग इन कर सकता हूँ। पहले मैंने कंप्यूटर में लगाता था, लेकिन कई USB पोर्ट्स ये चीज़ें घेर लेती थी। इन पोर्ट्स की फंक्शनैलिटी के लिए मॉनिटर को आपको ऑन रखना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। और बाकी सारी केबल्स को ठीक से अरेंज कर लिया है मैंने। बेल्किन के सर्ज प्रोटेक्टर में यूनिवर्सल सॉकेट्स हैं, तो UK स्टाइल प्लग इसमें लग जाता है इजीली। केबल्स को ऑर्गेनाइज करते में थोड़ा सा स्लैक ज़रूर रखना, ताकि मॉनिटर का जो स्टैंड है 3-way एडजस्टमेंट करते हुए मॉनिटर के सॉकेट्स पर किसी तरह का लोड ना डाले। केबल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसके स्टैंड में एक रबर का ऑर्गेनाइजर भी मिलता है, उसको खांचे में फंसा लेंगे ताकि केबल्स रोक ले और आगे से केबल ज़्यादा दिखाई ना दे मॉनिटर इस्तेमाल करते में। इसका स्टैंड बहुत मुझे पसंद आया, सेंटर चैनल इसी के नीचे आ जाता है। बेस्ट ऑडियो एक्सपीरियंस के लिए ये आइडियल लोकेशन है। बस मॉनिटर के जो कंट्रोल बटन्स हैं नीचे की साइड दिए, तो थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है मुझे स्पीकर से, ताकि मैं मॉनिटर को ऑन ऑफ कर पाऊँ। वैसे तो रेयरली ही ऐसा मुझे करना पड़ता है। अब अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिनिश और ओवरऑल लुक्स की बात करें, कहीं से भी आपको बिल्ड क्वालिटी में बिल्कुल भी कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि इसके जो पैनल के गैप्स हैं हर जगह से कंसिस्टेंट है, बल्कि गैप्स है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। तीन साइड से ये बेजल लेस है और एक साइड में इसमें आधे इंच के करीब का बेजल दिया हुआ है। बाकी तीन साइड्स की तरफ से करीब 1/4 इंच के करीब हम कह सकते हैं इसकी थिकनेस होगी। और एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आई इस मॉनिटर में, ये कि अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो एक तरह से देखने बेजल लेस लगता है, तो हार्डली मॉनिटर्स में से कोई फर्क पड़ता है। ये चीज़ वैसे TVs में ज़्यादा देखी जाती है, फिर भी कंपनी ने काफ़ी अच्छी कोशिश करी इसके बेजल्स को जितना पतला हो सके उतना रखने की। खैर, मॉनिटर आउटर साइड से तो प्लास्टिक का ही है, लेकिन ये नीचे का जो बेजल है इसका मुझे कन्फर्म नहीं है कि ये एल्यूमिनियम है कि प्लास्टिक है, क्योंकि इसकी जो लुक है ये काफ़ी हद तक एल्यूमिनियम की इन्होंने देने की कोशिश करी है। कई चीज़ों में जैसे आपको फॉर मेटल लुक मिलेगी, तो एक तरह से शायद ये वही है। तीन तरीके से ये स्टैंड आपको एडजस्टमेंट अलाउ करता है, यानी एक तो स्विवल एडजस्टमेंट हो गई, सबसे ज़्यादा वही आपके काम आएगी, उसके बाद हाइट एडजस्टमेंट हो गई, और फिर इसके जो रोटेशन का फीचर है 90 डिग्री, आप उसको मॉनिटर को रोटेट कर सकते हैं। ये फीचर ज़्यादातर लोगों के लिए तो खैर काम नहीं आएगा, लेकिन जो लोग कोडिंग करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का है। लेकिन मॉनिटर रोटेट करने से पहले बस ये ध्यान रख लेना जो केबल्स हैं आपने ठीक से ऑर्गेनाइज कर रखी हो, और केबल्स में बस इतना फ्री प्ले हो कि मॉनिटर अगर आप रोटेट करें तो इसके जो सॉकेट्स हैं उस पर लोड ना पड़े, नहीं तो मॉनिटर को फिजिकली डैमेज हो सकता है। अक्सर आप देखेंगे जो एडजस्टेबल स्टैंड्स आपको मिलते हैं उनमें दिक्कत ये रहती है कि वो स्टेबल नहीं होते, तो उससे होता क्या है, वो थोड़ा सा मॉनिटर वॉबली रहता है। अगर आप टेबल थोड़ी बहुत हिलाते हैं, हाथ रखते हैं थोड़ी, अगर आपकी टेबल शेक करती है तो मॉनिटर उससे ज़्यादा वॉबल करता है। तो इसमें ऐसा कोई भी दिक्कत मैंने फेस नहीं करी, डैम्पिंग बहुत अच्छे से कर रखी है कंपनी ने इस स्टैंड में। और शुरू में ही मैंने आपको इसके स्टैंड की हाइट एडजस्टमेंट दिखाई थी, मैं एक स्प्रिंग अंदर लगा हुआ है, तो एक तरह से प्री लोड उसके अंदर है। तो प्री लोड होने का फायदा ये होता है कि मॉनिटर को ऊपर और नीचे करने में बराबर एफर्ट लगता है, क्योंकि उठाने में नहीं तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगेगा, मॉनिटर ऑलरेडी काफ़ी हैवी है ये। कई सारे स्टैंड में क्या होता है, कॉन्टोर होता है तो उस पर आप सामान नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी बेस प्लेट है वो मेटल की है। इसके कारण होता क्या है कि हम इस तरह के स्पीकर्स इस पर रख सकते हैं, और इसमें छोटे से छोटा स्पीकर बड़े से बड़ा स्पीकर आराम से आ जाएगा था, और ये बहुत अच्छी लुक देता है मेरे हिसाब से। एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, जो इसकी पावर सप्लाई है वो मॉनिटर के अंदर ही बिल्ट इन है। पुराने टाइम में अगर आपने देखा हो, जो पावर सप्लाईज होती थी अक्सर वो बाहर होती थी, यानी कि पावर अडैप्टर्स की मैं बात करूँ, और उनकी दिक्कत ये आती थी उनकी कि जो कॉर्ड्स की लेंथ होती थी वो काफ़ी कम होती थी, तो ना तो ज़मीन पर रख सकते थे और ना ही उनको आप टेबल पर रखना चाहेंगे, तो इस कारण वो थोड़ा मुझे कम पसंद थी। एक सबसे अच्छी बात इसकी ये लगी कि इसमें IPS पैनल दिया गया है, तो जो कलर का रिप्रोडक्शन है, जो शार्पनेस है गज़ब की है, कंट्रास्ट रेशियो IPS पैनल होने के बावजूद बहुत ही बेहतरीन है। और कई लोगों को IPS ग्लो और IPS ब्लीड का फ़र्क नहीं पता रहता, जिन भी मॉनिटर्स में IPS पैनल यूज़ करा जाता है उसमें आपको IPS ग्लो हल्का सा मिलेगा ही मिलेगा, IPS ब्लीड नहीं होना चाहिए। ब्लीड में ज़्यादा अगर आपको बैकलाइट दिख रही है तब अलग बात है, और अगर आपको बहुत ज़्यादा IPS ग्लो लगता है किसी भी मॉनिटर में, तो उसकी जो ब्राइटनेस है उसको ऑटो पे आप रख सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंपनी ने ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया, और ये बहुत बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जिनको IPS ग्लो ज़्यादा लगता है। क्योंकि अगर आप मॉनिटर का हर वक्त फुल ब्राइटनेस पे करे रखेंगे, सपोज़ आप जो गेमिंग कर रहे हो उसमें डार्क सीन्स आ रहे हैं, या डार्क कोई सीन की आप मूवी देख रहे हैं, तो उसमें ऑटो ब्राइटनेस हेल्प करती है। अगर आप डार्क रूम में बैठे
तो आईपीएस ग्लो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आईपीएस ब्लीड तब करती है जब मॉनिटर को डिसअसेंबल करके रीअसेंबल करा जाता है। कई बार होता था कि जैसे पहले हम शॉप से मॉनिटर्स लेते थे, कई शॉपकीपर्स थोड़े से फ्रॉडुलेंट होते थे, जो पुराने मॉनिटर्स होते थे रिफर्बिश्ड मॉनिटर्स को भी सेल करते थे नए बता के, तो उन केसेस में ऐसा होता था। आज भी आपको ऑनलाइन रिटेल में भी इस तरीके सेलर्स मिल जाएंगे जो आपको कई बार थोड़ा सा डिस्काउंट ज़्यादा देते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो जो मॉनिटर आपने लिया वो रिफर्बिश्ड है। अगर इस मॉनिटर की ब्राइटनेस की बात करी जाए, 300 निट्स की ब्राइटनेस कंपनी ने क्लेम करी है और रिव्यूज़ के अनुसार ये 320 निट्स के करीब या 330 निट्स के करीब इसकी मैक्सिमम ब्राइटनेस जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। मेरे पुराने मॉनिटर में 200 निट्स की ब्राइटनेस थी और वो थोड़ा डल महसूस होता था। मॉनिटर के लिए ये ब्राइटनेस अच्छी खासी मानी जाती है। कई लोगों की ये आदत रहती है कि मॉनिटर को फुल ब्राइटनेस पे करके वो देखते हैं और ये उनकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। इस मॉनिटर में ऑटो ब्राइटनेस का फीचर दिया हुआ है कंपनी ने, एक लाइट सेंसर दिया हुआ है, तो ऑटो ब्राइटनेस ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा, जो कंट्रास्ट रेशियो है वो और बेहतर आपको मिलेगा। और इसी से अगर कंट्रास्ट रेशियो की बात करें, कंपनी ने 1000:1 कंट्रास्ट रेशियो इस मॉनिटर का बताया है और ये ऑन स्क्रीन मैं कंट्रास्ट रेशियो आपको बता रहा हूँ। डायनेमिक तो खैर बहुत ज्यादा कंपनीज क्लेम करती है लेकिन वो हार्डली किसी काम का होता है। वहीं अगर VA पैनल से कंपैरिजन करें तो VA पैनल्स आपको ज्यादा 3000 का कंट्रास्ट रेशियो देती हैं, तो किसी भी IPS पैनल को खैर आप एक VA पैनल से नहीं कंपेयर कर सकते कंट्रास्ट रेशियो के मामले में, लेकिन जो इसका कलर रिप्रोडक्शन है वो सारी चीज़ें आप भुला देगा। और इन रियल लाइफ ज़्यादातर जो आपके सीन्स होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस होगी, उतने हाई कंट्रास्ट रेशियो की आपको जरूरत इस मॉनिटर में नहीं महसूस होगी। और बल्कि इस मॉनिटर का एक मैंने रिव्यू पढ़ा था, उसमें ये क्लेम करा था कि इसका जो एक्चुअल कंट्रास्ट रेशियो है 1000:1 से बेटर है। उन्होंने क्लेम करा था कि 1100 इसका कंट्रास्ट रेशियो है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का मोड सेलेक्ट करा है, कितनी ब्राइटनेस मॉनिटर की है आपके रूम के लाइटिंग के हिसाब से। लेकिन अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो इसके मुझे कंट्रास्ट रेशियो काफी ज्यादा पसंद आया आईपीएस पैनल होने के बावजूद। किसी भी तरह का मुझे इसमें ज़्यादातर सीन्स में आईपीएस ग्लो नहीं दिखता और इसकी जो एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है ये भी बहुत अच्छी लगी मुझे, काफ़ी अच्छे से लाइट डिफ्यूज़ कर देती है। मैं जो रिंग लाइट से इसकी वीडियो भी बना रहा था ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, ये आई स्ट्रेन घटाने में बहुत हेल्प करती। अब कलर रिप्रोडक्शन की हमने इसकी बात की, लेकिन इसका HDR के बारे में हम बात करें तो ये आपको एवरेज परफॉर्मेंस देता है HDR कंटेंट के मामले में। HDR कंटेंट के लिए भी आपके डिपेंड करता है कि आपका जो हार्डवेयर है कंप्यूटर की वो सपोर्ट करती है कि नहीं, और आपके पास कंटेंट भी HDR में होना चाहिए। अगर इसके व्यूइंग एंगल्स की बात करें, हर तरफ से कलर्स आपको बहुत अच्छे दिखाई देंगे, कहीं भी पिक्चर डिस्टॉर्ट नहीं होती है, कहीं भी आपको ब्लैकिश नहीं दिखेगी या कलर्स चेंज नहीं होंगे। जो मेरा पुराना मॉनिटर है TN पैनल है और जो व्यूइंग एंगल्स थे उसके बहुत ही पथेटिक थे। कंपनीज तो खैर क्लेम यही करती है ज़्यादा मॉनिटर्स में कि इनके व्यूइंग एंगल अच्छे होते हैं, लेकिन इन रियलिटी पिक्चर का जो डिफरेंस है काफ़ी ज़्यादा आ जाता है अगर आप साइड टू साइड देखें या टॉप टू बॉटम देखें। अब अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो 60 हर्ट्ज़ का इसका रिफ्रेश रेट है, किसी भी लिहाज से गेमिंग के लिए तो खैर आपको कोई बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। ये नहीं कि आप इस पर गेमिंग नहीं कर सकते, वैसे तो 4K मॉनिटर है, आपके पास इतनी हार्डवेयर ही नहीं होगी 4K पे कोई गेम्स प्ले करने की, लेकिन अगर आप 4K गेमर हैं, अगर आपके पास इतनी हार्डवेयर है तो और बेहतर आप इससे मॉनिटर ले सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत भी बढ़ जाएगी क्योंकि 4K पैनल में ज़्यादा हाई रिफ्रेश रेट अगर आपको चाहिए और वो भी IPS, कीमत तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। वैसे तो ज़्यादातर गेमर्स के लिए फुल HD रेजोल्यूशन काफ़ी रहता है, तो आपको उसमें बहुत सारे और मॉनिटर्स मिल जाएंगे जिनका रिफ्रेश रेट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर वो VA पैनल्स होते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि गेमर्स को हार्डली कलर रिप्रोडक्शन से कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि गेमिंग में हाई रिफ्रेश रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बाकी चीज़ों के मुकाबले, और गोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। कई मॉनिटर्स में गोस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप सिंपली गेमिंग उसमें कर ही नहीं सकते। सैमसंग ने इस मॉनिटर के 5 मिलीसेकंड्स की ग्रे टू ग्रे स्पेसिफिकेशन दी है, और अगर प्रैक्टिकल यूज़ की बात करूँ गेमिंग के दौरान या कोई भी और यूज़ में, मैंने किसी भी तरीके की गोस्टिंग इसमें नहीं देखी। कलर रिप्रोडक्शन अच्छा रखने के लिए इस मॉनिटर में 10 बिट्स का पैनल दिया गया है, तो ये ट्रू 10 बिट नहीं है, ये 8 बिट प्लस FRC पैनल है। FRC का मतलब हो गया फ्रेम रेट कंट्रोल, क्योंकि ये एक तरह से 8 बिट पैनल ही है, तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए इसमें इस तरीके से कंपनी ने ट्यूनिंग करी कि आपको एक्स्ट्रा कलर्स दिखा सकता है। अब वो कैसे दिखाएगा, सपोज़ एक कलर ऐसा है जो ये पैनल नहीं दिखा सकते, इसकी पिक्सल है वो पर्टिकुलर कलर नहीं दिखा सकती, तो इसका अपना एक लिमिट है कलर की। तो ये करता गया कि इसका 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है, कुछ फ्रेम्स ये एक कलर के दिखाएगा, कुछ फ्रेम्स ये दूसरे कलर के दिखाएगा, एक तरह से ये दोनों कलर हैं ये आपस में इस तरीके से दिखाएगा, तो आपको एक्चुअली वो देखने में थर्ड कलर लगेगा जिसके जो ये दिखाना चाहता है आपको। तो इस वे में ये 10 बिट का पैनल है, ट्रू 10 बिट नहीं है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे इस सेगमेंट में सारे ही मॉनिटर्स में आपको FRC ही मिलेगा,
ट्रू 10-bit पैनल अभी तक किसी भी कंपनी में मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर आएगा फ्यूचर में तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली आपको जितना पैसे ज़्यादा पे करोगे उतना अच्छा मॉनिटर मिलेगा। अगर इसके कनेक्टिविटी की बात करें तो एक इसमें डिस्प्ले पोर्ट का कनेक्टर मिलता है, एक HDMI, एक 3.5mm का इसमें आपको ऑडियो जैक भी मिलता है, और इसमें USB हब भी इनबिल्ट आपको मिलता है। ये बहुत ही स्पेशल बात है इस मॉनिटर की। अगर आपको नहीं पता है USB हब क्या होता है, तो आपका सपोज कंप्यूटर है उसमें USB पोर्ट्स की कमी है, तो एक USB पोर्ट ये मॉनिटर उससे ले लेगा और बदले में आपको ये चार USB पोर्ट्स दे देगा। यानी कि आज चार डिवाइसेज इसके अंदर आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो एक तरह से आपके कंप्यूटर से ही कनेक्ट हो जाएंगी एक ही USB पोर्ट लेके। और इसकी और भी अच्छी बात यह है कि 100 वॉट्स तक पावर दे सकता है, और 100 वॉट्स काफ़ी अच्छी खासी पावर आउटपुट है USB पोर्ट के लिए, तो डिवाइसेस को आप कनेक्ट करने के साथ ही साथ चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप लैपटॉप्स या iPad इस तरह की डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं तो वो चार्ज भी हो जाएंगी और आप अपने कंप्यूटर से उसको कनेक्ट भी कर पाएंगे। अब इसके कंट्रोल बटन्स की बात करें तो ये बहुत कन्वीनियंट तो इनिशियली मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मुझे पुराने मॉनिटर की आदत थी फ्रंट पे बेजल पे थोड़ा इजी लगता था। अगर कन्वीनियंस की बात करें, आपको थोड़ा सा टाइम तो लगता है जो स्विच की पोजीशन है उसकी आदत पड़ने में, लेकिन एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो कन्वीनियंट ही लगेगा। लेकिन इसके पावर LED जो दिया गया है बिल्कुल यूजलेस है, पता नहीं क्यों इस तरीके की लोकेशन पे उसको दिया गया है। कई लोगों को पावर LED अपने फेस में पड़ती हुई अच्छी नहीं लगती, और स्पेशली अगर ब्लू कलर की पावर LED यूज़ करती है कोई कंपनी तो सामने कई बार वो डिस्ट्रैक्टिंग होती है। लेकिन इसमें आपको पावर LED ऑन ऑफ करने का भी फीचर मिलता है, तो अगर सामने भी इस तरीके का कंपनी बना देती कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जिस लोकेशन पे ये दी है ना पावर LED, इसका कोई फायदा नहीं है, दिखाई नहीं देती, तो हार्डली वो किसी काम का रह जाता है। बल्कि सामने अगर ये लोगो है जैसे सैमसंग का, इसको इल्यूमिनेट करा जा सकता था एक LED से, वो ज़्यादा मेरे ख्याल से बेहतर लगता देखने में भी। अब अगर इसके साइज़ की बात करें, 27 इंच का पैनल है, कम साइज़ के मॉनिटर्स में भी आपको IPS मिल जाएगा, लेकिन इससे बड़े साइज़ का अगर आप मॉनिटर्स लेंगे तो उसमें आपको IPS नहीं मिलने वाला। 32 इंच का कई लोग मॉनिटर ले लेते हैं, बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि वो VA पैनल उन्होंने खरीद लिया है ना कि IPS, कई लोगों को फिर रिग्रेट होता है। 32 इंच का अभी कोई भी मॉनिटर IPS पैनल के साथ नहीं आ रहा है, चाहे आप कोई M सीरीज का स्मार्ट मॉनिटर लें, चाहे आप यही एग्जैक्ट मॉनिटर 32 इंच के साइज में लें, दोनों में ही आपको VA पैनल मिलता है। लेकिन इस 27 इंच के मॉनिटर में आपको IPS पैनल मिलता है। तो इसका एक और मॉनिटर है जो इससे हल्की रेंज का है, जिसमें ये USB हब इनबिल्ट नहीं है, और ये जो स्टैंड है ये भी एडजस्टेबल नहीं आता उसमें, तो उसमें भी IPS पैनल दिया गया है। लेकिन कुछ हज़ार रुपए के लिए वो वाला मॉनिटर लेना उतनी अकलमंदी की बात नहीं है, ये आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है इस रेंज में। वेजा कंपैटिबिलिटी की बात करें तो इस मॉनिटर में तो क्या जो स्टैंड लगा हुआ है वो वेजा के थ्रू एक तरह से हम कह सकते हैं लगा हुआ है, वेजा के होल्स में तो नहीं लगा हुआ लेकिन उसी के जो स्लॉट बना हुआ है वहीं पर लगता है। कई मॉनिटर्स मैंने देखे उनमें वेजा कंपैटिबिलिटी होती ही नहीं। मेरा जो पुराना मॉनिटर था उसमें लिटरली मैंने पीछे का जो ये इसका बैक कवर होता है मॉनिटर का, उसमें छेद करे थे ड्रिल मशीन से उसको इस तरीके से माउंट करने के लिए। अब 10 साल पहले वेजा माउंट का ज़्यादा ज़माना नहीं था, किसी को पता भी नहीं होता था, उस वक्त जब ले लिया था बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि उसमें वेजा कंपैटिबिलिटी है ही नहीं, तो कई लोगों को ये दिक्कत आती है। और अगर इसी का कंपैरिजन आप फिलिप्स के मॉनिटर से करें, उसमें भी आपको वेजा कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती है, चाहे भले ही आपको वो 24-25 हज़ार के आसपास की रेंज में मिल जाता है, लेकिन जो कंपनीज़ ये कॉस्ट कटिंग करती है बहुत बुरी लगती है मुझे। तो वेजा कंपैटिबिलिटी आज के वक्त में तो एटलीस्ट हर मॉनिटर में होनी चाहिए, नहीं तो आपको जो स्टैंड दिया गया है मॉनिटर का वही यूज़ करना पड़ेगा। और पुराना होने के बाद कई बार होता है कि आप मॉनिटर को एक तरह से एडिशनल डिस्प्ले की तरह यूज़ करना चाहते हैं। अगर इस मॉनिटर के वेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो 7 किलो का इसका मॉनिटर का पूरा वेट है इंक्लूडिंग स्टैंड। तो इसके कारण हुआ ये कि जो ये मॉनिटर राइजर मैंने लिया था ये भी बीच में से हल्का सा बेंड कर गया, और धीरे धीरे ये इतना सैग कर जाएगा कि ये जो एम्पलीफायर है ये इसी के ऊपर टिकेगा और ये अच्छा नहीं है। अमेज़ॉन ने तो बल्कि ये क्लेम करा था कि ये मॉनिटर राइजर 16 किलो तक का वज़न हैंडल कर सकता है, लेकिन जो मेरा अंदाज़ा था वो बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ये इंजीनियर्ड वुड है, ये एक तरह से माइल्ड डेंसिटी फाइबर बोर्ड है, तो जो रियल वुड होती है जैसे ये प्लाई बोर्ड मैंने यूज़ करा है, इतना मजबूत तो खैर ये हो नहीं सकता था। इन केस अगर ये पहले हुआ होता तो सारा जब मैं वुड वर्क कर रहा था तभी इजीली मैं इसको नया बना लेता। कई व्यूअर्स कहेंगे कि सिर्फ इसमें मॉनिटर नहीं रखा हुआ, मैंने स्पीकर भी रखा हुआ और भी सामान है, तो स्पीकर ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1-1.5 किलो से ज़्यादा का नहीं है। टोटल अगर मैं वेट देखूँ तो 8-9 किलो से ज़्यादा का इस पर वेट कभी भी मैंने नहीं रखा है। खैर इसमें मॉनिटर की गलती नहीं है कि इतना भारी है, लेकिन एक तरह से अच्छा ही है मॉनिटर के लिए, क्योंकि इसके अंदर एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ करा गया है, काफ़ी अच्छी खासी इसकी प्रोसेसिंग
पावर है, क्योंकि जो इमेजेस इसके अंदर आती है उसको प्रोसेस तो करता ही है, पावर सप्लाई भी बिल्ट इन है, तो एल्यूमिनियम की हीट सिंक्स इसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी होंगी ताकि ये ठंडा रह पाए। बल्कि बड़े बड़े टीवीज मैंने देखे 5 किलो के अंदर ही उनका वेट होता है, लेकिन फिर भी इसका जितना वेट है। थर्मल्स के मामले में भी ये काफ़ी वेल डिजाइंड मॉनिटर है, आगे से बिल्कुल भी इसमें हीटिंग मैंने महसूस नहीं करी। बस बैक साइड पे जो प्लास्टिक्स हैं वहाँ पर आपको पता चलता है कि अंदर की तरफ से मॉनिटर थोड़ा गर्म है और इतना तो हीट होना नॉर्मल है। अगर USB डिवाइसेस कोई भी चार्ज हो रही होंगी तो ये हीटिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन किसी भी तरह की फ़नी स्मेल्स मैंने नोटिस नहीं करी मॉनिटर में से। अब थर्मल्स के बाद अगर इसकी नॉइस की बात करें, इसमें हल्की सी कॉइल वाइन आती है। कॉइल वाइन तो आजकल खैर कॉमन हो चुकी है, मदरबोर्ड्स में, ग्राफिक्स कार्ड्स में आपको सुनने को मिली जाएगी, लेकिन इसके अंदर भी है। तो दिक्कत उन लोगों को आती है जिन लोगों को वॉइस ओवर्स करने होते हैं, यूट्यूब पे कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी होती है, हल्की सी हाई फ्रिक्वेंसी अगर साउंड आती है तो उसको आप उतनी ईजिली एडिट नहीं कर सकते। तो इसमें बहुत हल्की सी हाई फ्रिक्वेंसी हमें एक CRT TV अगर आपने सुना हो पुराने टाइम का, तो जैसे उसमें एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हम होती थी, उससे भी ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की, लेकिन उसके मुकाबले मंदी है। तो बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन अगर आपके कान सेंसिटिव है तो आप डेफिनेटली इस तरह की साउंड को सुन पाएंगे। और एक अगर इसकी कमी की बात करें तो ये ऑन होने में काफ़ी देर लेता है, कई सेकेंड्स लेता है। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि पहले तो रूम में ब्राइटनेस कितनी है वो चेक करता है शायद, या इसके जो फर्म है जो भी बूट अप करती है, तो ये थोड़ा सा स्लो है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, मैं तो खैर हमेशा मॉनिटर ऑन ही रखता हूँ, 24 घंटे ही ऑन रहता है, सिर्फ कंप्यूटर ऑन ऑफ करता हूँ, तो अपने आप ही वो स्टैंड बाय पे ही रहता है। अगर हम मॉनिटर को फिजिकली ऑन ऑफ करते हैं इसके बटन से, तो थोड़ा सा ये इरिटेट कर सकता है आपको। इसकी पावर कंजम्पशन की बात करें तो 170 वॉट्स की इसकी मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है, और ये काफ़ी अच्छी खासी इसलिए है क्योंकि इसमें जो USB हब दिया गया है वो काफ़ी ठीक ठाक पावर लेता है, और इसी कारण से वो आपकी डिवाइसेस को जल्दी से चार्ज करता है। और पावरफुल होने के कारण ही मॉनिटर में कॉइल वाइन भी आती है। एक गलती जो मैं बहुत सारे लोगों को करते देखता हूँ वो ये कि मॉनिटर्स के बिल्कुल बराबर में वो स्पीकर्स को रख देते हैं, और अगर स्पीकर्स आपके कम पावर के हैं तब तो इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी डिसेंटली पावरफुल अगर आपके पास स्पीकर्स हैं ज़्यादा वोल्टेज के हैं तो एकदम से मॉनिटर के आप पास ना रखें। कई लोगों का मानना है कि आज इन पे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो पैनल्स है LCD LED है, लेकिन उसके बावजूद इन द लॉन्ग रन आपके मॉनिटर की रिलायबिलिटी बेहतर बनी रहेगी अगर आप एडिक्वेट गैप रखते हैं स्पीकर से। और इसका भी मैंने अच्छे से चेक कर रखा है, वैसे तो सोनी ने क्लेम करा है सारे स्पीकर शील्डेड है, लेकिन आगे की तरफ इनमें काफ़ी ज़्यादा EMF रीडिंग आती है अगर आप मोबाइल से चेक करें। और ये जो दो स्पीकर हैं इनमें भी मैंने ध्यान रख के लगाया, तो स्पेशली जो स्पीकर शील्डेड नहीं है उनको ज़्यादा पास ना रखें, भले ही आपको स्क्रीन पर कोई डिस्क्रिप्शन मिले ना मिले, CRT पे तो आपको इंस्टेंटली एक पैटर्न सा बन के आ जाता था, बैंडिंग हो जाती थी। अब अगर सैमसंग की वारंटी पॉलिसी की बात करें, कंपनी का जहाँ तक मुझे पता है 4 6 डेड पिक्सल्स तक मॉनिटर आपको रिप्लेस नहीं करने वाली, लेकिन फिर भी अब तक मुझे ऐसा कोई भी मॉनिटर नहीं दिखा जिसमें कोई भी डेड पिक्सल ना हो, कहीं ना कहीं ज़रूर होती है। तो अगर कंपेरिजन करा जाए IPS का, VA का और TN पैनल्स का, TN पैनल वो है बहुत पहले आता था, अब ज़्यादातर TN पैनल का ज़माना नहीं रहा है। तब क्या था, VA पैनल्स में गोस्टिंग बहुत होती थी, IPS पैनल्स महंगे थे और डार्क सीन्स के लिए अच्छे नहीं थे, तो TN पैनल गेमिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता था, सुपर फास्ट रिफ्रेश रेट्स होते थे, गोस्टिंग कहीं होती नहीं थी, गेमिंग में मज़ा आता था उस वक्त। लेकिन कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बेकार होता है TN पैनल्स में, पूरा मॉनिटर ही काफ़ी डार्क लगता है, कंट्रास्ट रेशो भी कोई खास उसमें आपको नहीं मिलेगा। इस कारण से आजकल TN पैनल्स का ज़माना तो नहीं है, सिर्फ VA और IPS ही चल रहे हैं। सारे जो भी कर्वेचर वाले मॉनिटर्स होंगे आपको VA पैनल के ही मिलेंगे। पर्सनली मैं VA पैनल्स को पसंद नहीं करता, मुझे उनमें कलर रिप्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई लोग पसंद करते हैं, गेमर्स स्पेशली। बल्कि मैं तो TV में भी IPS पैनल ही पसंद करता हूँ, क्योंकि एक बार आप IPS पैनल ले लेते हैं जो इसका कलर रिप्रोडक्शन है, आप उसके आदत पड़ गए तो आप कोई और मॉनिटर नहीं यूज़ कर पाओगे। VA पैनल बनाने में सस्ता है, इसलिए बड़े बड़े पैनल्स बहुत सस्ते में आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे लोग TVs को मॉनिटर्स के जगह यूज़ करते हैं और वो बेकार आइडिया है, क्योंकि वो VA पैनल्स हैं और TV एक तरह से आइडियल नहीं है, वो एक तरह से ज़्यादा ब्राइट रहेगा मॉनिटर यूज़ के लिए, क्लैरिटी उसमें कम होगी, गोस्टिंग ज़्यादा होगी, क्योंकि मॉनिटर्स का रिफ्रेश रेट टिपिकली बेटर होता है TVs के कंपैरिजन में, तो गोस्टिंग आपको देखने को मिल सकती है। अब सैमसंग के मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स रहे हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको इनकी सर्विस क्वालिटी को लेकर काफ़ी बातें बताई हैं, लेकिन मेरा जो पुराना मॉनिटर था उसका जो टच पैनल होता है वो ख़राब हो गया था, तो उसके जो बटन्स का PCB था वो बदला गया था, 500 रुपये का PCB था, 500 रुपये सर्विस चार्ज लिया था, तो 1000 रुपये में मेरा पुराना मॉनिटर इन लोगों ने रिपेयर कर दिया था, और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इससे मैं इम्प्रेस हुआ था, क्योंकि 10 साल बाद भी अगर कोई मॉनिटर कंपनी सर्विस कर रही है
एक जायज़ रेट पे, तो मेरे लिए बड़ी बात थी। तो सैमसंग की खैर सर्विस के रिगार्डिंग तो मुझे कोई शक नहीं है, बल्कि मॉनिटर खुद वो 10 साल से चल रहा है, उसमें और भी कोई इशू नहीं है इसके अलावा। और सैमसंग मॉनिटर्स को अगर LG से कंपेयर करें, LG आपको कम वारंटी दे रहा है फिलहाल, सैमसंग 3 साल की आपको वारंटी देता है इस मॉनिटर पे। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि इतना कंपनी का कॉन्फिडेंस है अपने प्रोडक्ट पे। लेकिन टीवीज़ में अगर हम कंपेयर करें तो सैमसंग 1 साल की दे रहा है, LG 3 साल की दे रहा है। मॉनिटर्स के मामले में मुझे सैमसंग ज़्यादा पसंद आता है और टीवीज़ के कंपैरिजन में मुझे LG बेहतर लगता है। और इसे वारंटी पीरियड से मैं नहीं कह रहा आपको, जो पैनल की क्वालिटी है, इसकी जो कलर रिप्रोडक्शन है, किसी भी और मॉनिटर से अनमैच्ड है। अब क्योंकि मैं आपको एक लिमिट तक ही इस वीडियो में दिखा सकता हूँ कलर रिप्रोडक्शन, इन रियलिटी खैर मैंने ही ये मॉनिटर यूज़ करा है। LG के मैं इस सेगमेंट के मॉनिटर का कंपैरिजन दूँ तो उसमें आपको IPS ग्लो ज़्यादा मिलेगी, कलर्स बल्कि फेडेड लगेंगे वो, उसमें ग्रे स्केल एरर्स थोड़े से ज़्यादा हैं इसके कंपैरिजन में। तो इस प्राइस पॉइंट पे ये फ़िलहाल बेस्ट मॉनिटर है, लेकिन खैर ये प्राइस ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्टीप है ज़्यादातर लोगों के लिए। लेकिन 4K मॉनिटर्स फ़िलहाल इसी प्राइस पे आते हैं। अगर आपको कोई प्रोफेशनल काम है, आप वीडियो क्रिएटर है, इमेज एडिटिंग का आपका काम है, तो डेफिनेटली ये मॉनिटर आपके लिए सूटेबल रहेगा। अगर आप गेमर हैं तो आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट के कम रेजोल्यूशन के मॉनिटर्स फिलहाल मिल जाएंगे। और मैंने काफ़ी रिसर्च करी थी इस मॉनिटर को लेने से पहले, और जो भी अलग अलग सेगमेंट्स के अच्छे मॉनिटर्स हैं अलग अलग प्राइस रेंज में, अलग अलग साइजेस में, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए, आप जाके देख सकते हैं। अगर बात करें इस मॉनिटर की कीमत की, तो अमेज़न से आपको 31,000 रुपये के आसपास का मिल जाना चाहिए। करंट प्राइसेस चेक करने के लिए या इसको खरीदने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट से ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।